तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी उठकर हम हो चुके हैं तैयार, क्योंकि मैं, मम्मी और हिमांशु हम जा रहे हैं आज मंदिर। हिमांशु भाई ने आज पूजा पाठ करने वाला है, साल में एक आधे दिन होता है इनका पूजा पाठ का दिन। तो चलते हैं अभी यहाँ घर के बाहर पे जो हमारा मंदिर है वहाँ पूजा करना है। वो इंसान बोल रहा है जो आज चार दिन पहली बार नहाता है। चार दिन यार, पाँच दिन में। हाँ तो अच्छा, वो इंसान बोल रहा है उससे कि पूजा पाठ यार, ये सुबह 6 बजे चल जाता कॉलेज, तो कितनी बार मूवी नहीं धो पाता। रोज डेली आगे जाता हूँ डेली। और यहाँ मम्मी पापा के वॉलेट में गड़बड़ करते हुए अरे है मेरे पे चढ़ाने के लिए यार, सामान लेने, सामान लेने के लिए भी दे दूंगा। अबे चल भाई, तुम अभी ऑफ कैमरा में बताना तेरी गलती से। तुम दोनों इतनी गड़बड़ करते हो ना कसम से, यहाँ मेरे से ले, तुमने तो ले रहे रखे थे चेन मैंने। अबे तभी पापा के वॉलेट में डाका डाला जा रहा है। तो फाइनली हो चुकी है पूजा, और मम्मी ने करवा लिया अपने मन की जो जो करवाना था, मतलब जहाँ से तू कह रहे थे वहीं से सिबलिंग, ये राइट साइड होते हैं ऐसे घूमते हैं, पता भी होना चाहिए क्या है। मम्मी का हिसाब किताब अलग है पूरा, कोई नहीं मानते नहीं है, पता है तुमको। हाँ, और जो जो लोग जा रहे हैं वो पागल जा रहे हैं, पागल ही है। राइट साइड जैसे जैसे चक्की घूमती है, पता होगा उल्टे काम नहीं करते हैं, पता हो के जिसको नहीं है तो तुमको छुपा तो बार देनी पड़ जानी, इसीलिए कहते हैं जरा कुछ देखा करो। कंटेंट मिल गया, कंटेंट मिल गया, फाइनली पहुंच चुके हैं घर। अब देखते हैं खाने की व्यवस्था, खाना बनाना पड़ेगा आज, छुट्टी है, छुट्टी के दिन हमसे बनवाया जाता है। तो फोन सीधा बनना सीख। सही है ये। तो भाई सब आया था मैं लाइब्रेरी, और यहाँ हमारे दर्शन भाई पहुँच चुके हैं। बाकी मैं भी बढ़िया करके ब्रेकफास्ट करके आ चुका हूँ, आज त्यौहार था तो मम्मी ने पूरी वगैरह ही बनाई थी। बाकी दर्शन भाई को जैसा हमने प्रॉमिस किया था, आज हम कहीं जा रहे हैं। यही सीरियसली बोल रहा हूँ, आज तक किसी पॉलिटिशियन की रैली में नहीं गया, आज तक कभी नहीं गया, बट आज जो आ रहे हैं उनका तो फैन हूँ। उनने तो बुलडोजर की सेल बढ़ा दी है, जेसीबी की सेल बढ़ा दी है, जेसीबी की सेल बढ़ा रही है। मैं तो कल सुना था कि जेसीबी के आगे वाले दांत में बैठ के आने वाले हो। गाइस, आई एम बिग फैन ऑफ योगी जी, और योगी जी आज हैं हल्द्वानी में, शायद कल रात को ही पहुंच चुके हैं। तो अभी हम जा रहे हैं उनकी रैली में, अब देखते हैं कितना धक्का मुक्का खाना पड़ेगा। भाई का सस्ते में बोला, देखते हैं भाई के मोनेटाइज हो चुका है चैनल, तो भाई के लिए वीआईपी सीट है वहाँ पे। बाकी हम भी नए नए यूट्यूबर हैं तो हमें भी शायद आने देंगे। तो आगे चलते हैं, कल ना देख के आ गया हूं क्या हो रहा है वहां, सिस्टम सारा सिस्टम करके आ गया हूं। यूट्यूबर हो तो ऐसे ही, तो चलते हैं फिलहाल, आपको लेके चलते सीधे वहां और देखते हैं कि क्या रहता है सिस्टम। अभी भाई साहब आ चुके हैं हम यहाँ पे गेट से अंदर, और सामने देख सकते हैं ये वीआईपी एंट्री, हमें बिल्कुल भी भीड़ नहीं। और यहाँ आ चुके अंदर हम, और ये था हमारा वीआईपी पास, और सामने देखिए बहुत लंबी लाइन है जिसमें हमें नहीं जाना पड़ा क्योंकि हमारे पास था पास। और अब यहाँ भाई लोग बोल रहे हैं कराते हैं फोटो सेशन, करवाते हैं फोटो सेशन। पंचायत अध्यक्ष बहन बेला कोलिया जी, हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्रीमान सौरभ बैगुड़ा जी, खंड के अंदर पुष्कर सिंह धामी जी की किस तरह से सरकार काम कर रही है, लोगों के लिए काम कर रही है, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सबका सौभाग्य है कि इस देवभूमि उत्तराखंड में, उत्तराखंड के सपूत हमारे योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार हमारे बीच में जय श्री राम, योगी जी को जय श्री राम, योगी जी को जय
राम, योगी जी को जय श्री राम, योगी जी को जय, योगी जी को जय श्री राम, योगी जी को जय श्री राम, आगे अपने इस प्रदेश के बहुत ही कर्मठ यशस्वी मुख्यमंत्री परम सदैव श्रीमान योगी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पास का कोई प्रोविजन था नहीं, सुबह 6 बजे से लोग आके यहाँ बैठना प्रारंभ हो गए थे। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री करते जा रहे हैं, यूसीसी लागू करके एक इतिहास बना दिया आपने, नकल कानून का इतिहास बना दिया आपने, यानी कि लगातार और लगातार जहाँ जहाँ हमारे राज्य हैं वो राज्य आज अपने आप में फल फूल रहे हैं। योगी जी ने हमें हेलो बोल दिया है और दर्शन भाई काफी खुश हैं योगी जी से मिलके। अच्छा तन्नू भाई भी आ चुके हैं हमारे, मजा आ गया बिल्कुल, चलते सीधे घर को। अयोध्या में इस बार रामनवमी का पर्व अपने महल के अंदर मनाने वाले हैं और मैं बहुत पहले मैं लखनऊ में पढ़ता रहा, मैं जब अयोध्या गया था तो मैंने देखा कि राम लला टेंट में है और मुझे बहुत दुख हुआ था भाइयों बहनों, लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय महाराज जी के संकल्प से अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। हर भारतीय राम भक्त का राज भक्त का सपना साकार हो गया है। इसी प्रकार से काशी विश्वनाथ दूसरी तरफ कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा जाता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को लागू करने की बात कही जाती है। विधानसभा का चुनाव होता है तो कहते हैं उत्तराखंड में हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। ये लोग केवल और केवल तुष्टिकरण करके वोट बैंक की राजनीति से सत्ता को हासिल करना चाहते हैं। बोले नहीं है जो वोट बैंक के हिसाब से कभी टोपी कभी जनेऊ धारण करता हूँ। भाइयों बहनों में तुष्टिकरण और वोट बैंक की घटिया राजनीति को करारा जवाब देना है। मैं हल्द्वानी के मतदाताओं से आग्रह करता हूँ कि विकसित उत्तराखंड के लिए, विकास के लिए, विकसित भारत के लिए और भ्रष्टाचार के अंत के लिए भाजपा को चुने और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, केंद्रीय मंत्री योगी जी से मिलकर काफी अच्छा लगा। योगी जी ने दूर से हेलो भी बोला, बाकी अभी हमारी क्लास है कोचिंग में, तो फिर हम जा रहे हैं योगी जी को ऐसे, ये देखिए योगी जी के बगल से रास्ता बनाया गया है जाने के लिए, जहाँ से तन्नू भाई चले गए हैं। योगी जी से मिलकर काफी अच्छा लगा, योगी जी ने दूर से हेलो भी बोला, बाकी अभी हमारी क्लास है कोचिंग में, तो फिर हम जा रहे हैं योगी जी को ऐसे, ये देखिए योगी जी के बगल से रास्ता बनाया गया है जाने के लिए, जहाँ से तन्नू भाई चले गए हैं। फाइनली पहुंच चुके हैं हम लाइब्रेरी पे, दर्शन भाई बहुत थक चुके हैं और मैं भी बहुत थक चुका हूँ, मैंने पढ़ाना है 4 घंटे लगातार। तो योगी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, बच्चों को करना हमने जय श्री राम 4 घंटे। तो भाई साहब आप भी अब शुरू हो जाइए, हम भी शुरू हो जाते हैं, ड्यूटी पे आ जाओ फिर से, बैक ऑन वर्क। मैं आ चुका हूँ क्लास से और हम आए हैं चाची के वहाँ, आज चाची के वहाँ तक कीर्तन, तो मैं कह रहा भाई तो रेस्ट कर रहे हैं बैठ के आराम से, चाची जला रही हैं मतलब बत्ती बना रही हैं, और ये है मंदिर जहाँ कीर्तन होता है हमारे चाची का मंदिर, बढ़िया करके मंदिर सजा रखा है चाची ने। बाकी हम चाय पी चुके हैं, चाची ने प्रसाद भी दे दिया है। सुमित भाई अभी बाहर को गए हैं, अभी सुमित भाई से मिलवाते हैं। तो वैसे कल रात को पहुँच गया था घर चाची के वहाँ से, डिनर करा था उसका, थोड़ा सा मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, एकदम से उनको घबराहट सी हो रही थी, हार्ट पेशेंट, तो फिर उनको दिखाने गए तो इस वजह से मैं बिल्कुल भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। बाकी अभी फिर उनको सुबह और दिखाया जाएगा, तो अभी फ़िलहाल ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं थोड़ी देर अभी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।